श्री राम समर्थ अक्टूबर 20। भगवान को हम स्वयं को समर्पित करें तो सुख दुख मिट जाएंगे। साधुजन यही कहते हैं कि हम राम के प्रति अपना सर्वस्व अर्पण करें। राम को हम अपना सर्वस्व कैसे अर्पण करें, इसका मार्ग सज्जन समझा देते हैं। पहली बात तो यह है कि हम भगवान का अधिष्ठान बनाए रखें। अधिष्ठान के कारण ही उपाय ज्ञात होते हैं। अखंड अनुसंधान रखने पर हमारे हाथ से जो कर्म होते हैं वे हम सहजता से भगवान को अर्पण कर सकते हैं। उपास्य देवता का स्मरण करें और मन से भगवान की शरण जाए। जो सद्गुरु से अनन्य होता है उसे दूसरा कोई काम नहीं करना पड़ता। सद्वृत्ति, सद्गुण, दुर्गुण आदि विकार राम को समर्पण करें, उसी से हम राम के बन जाए। राजा का बेटा जन्म पाते ही अनायास राजपुत्र हो जाता है, अपने आप उसे राजपद मिलता है। वैसे ही यदि हम अपने को राम के चरणों में अर्पण कर दे तो विषय वासना का स्पर्श नहीं होगा। व्यवहार में हम दक्ष रहे और मन से भगवान की शरण जाए। जो सद्गुरु की शरण जाता है उसे विषय का भय नहीं होता। यदि हम राम का निरंतर चिंतन करें तो राम की दया होगी। यदि हम अपने मन के साथ देह भगवान को अर्पण करें तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा। उसका कारण ही क्या? परमार्थ का मुख्य साधन अखंड अनुसंधान। अतः हमें निरंतर नामस्मरण करना चाहिए। अंतःकरण में सदा भगवान का ध्यान ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। सभी बातें हम करते रहें लेकिन व्यवहार में कभी गलती नहीं करनी चाहिए। संसार में जैसा अतिथि व्यवहार करता है वैसा हमें गृहस्थी में बरतना चाहिए। बाह्य सृष्टि विषयों से भरी हुई है, अतः उसमें हमारा मन आसक्त नहीं होना चाहिए। देह को कर्म करते हुए गृहस्थी में लगा दे और मन राम के चरणों में लीन करे। लोभी आदमी का चित्त पैसे के चिंतन में लगा रहता है और वह सभी बातें उसे ध्यान में रख कर करता है। वैसे हमारा मन राम के प्रति रत होना चाहिए और तदनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए। चील तो आसमान में भ्रमण करती है लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य की ओर रहता है। ठीक वैसे ही आदमी कुछ भी करता है लेकिन उसका मन विषय वासना में ही रहता है। अतः मन की इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर मन को संयमित करके स्थिर रखे, इसके लिए एकाग्रता आवश्यक है और एकाग्रता के लिए नामस्मरण अत्यावश्यक है। एकाग्रता के लिए सच्चा एक ही उपाय है और वह उपाय है नामस्मरण के प्रति दृढ़ विश्वास और प्रेम। दृढ़ता रखकर अपना साधन अधिक जोर से करना चाहिए। नाम के प्रति यदि प्रेम दृढ़ हो गया और विषयों से निवृत्ति हुई तो रघुपति दूर नहीं होता, वह समीप आता है। व्यवहार में दक्ष रहकर राम का सदा चिंतन करे। गृहस्थी में दक्षता बरत कर उससे अलिप्त रहना चाहिए। जो जो दिया है वह परमेश्वर ने दिया है ऐसा मानकर उसे संभालना चाहिए। परिवार भी राम ही की कृपा से प्राप्त होता है, अतः उसका ठीक ठीक रक्षण करना जरूरी है। फिर भी उसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आसक्ति न रखना ही परमार्थ है। सभी बातें करे लेकिन उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें राम की सेवा करनी चाहिए लेकिन वह विषय वासना की तृप्ति के लिए नहीं। यह ध्यान में रखे कि गृहस्थी कभी सुखदायक नहीं होती, वह तो कर्तव्य का एक अंग होता है। मन में भगवान का भजन करे लेकिन हमेशा सावधान रहे, अन्यथा हमारा मन फिर से विषयासक्त हो जाएगा। आज के मुख्य विचार, जो भी हम अपना मानते हैं वह सब राम का होता है और वह ही जब संभालता है तो चिंता का कारण ही क्या है।
सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।